हेलो गाइस वेलकम टू बी स्पोर्ट्स एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं हीरो आई लीग के बारे में तो आई लीग में कल टोटल तीन मैचेस था एंड अगर हम लोग लाइक पूरे यू you नो know, मैचेस का बात कर ले तो पहला जो मैच था वो था रियल कश्मीर वर्सेस सुदेवा दिल्ली एकदम टॉप क्लास मैच टू टू में ये एंड हुआ है एंड रियल कश्मीर का ओके टियागो एडन ने गोल किया है जो की एक्चुअली एक ब्राजीलियन प्लेयर है काफी अच्छा ही गेम खेला है उन्होंने एंड अगर हम लोग लाइक यू नो सुदेवा का बात करें तो सुदेवा का ओके गोपालन एंड लोज्जम ने गोल किया है काफी क्लोज मैच हुआ था क्योंकि

तो खैर यू नो ड्रॉ में ही फिर से एक एक स्कोल लाइन था एंड ये मैच भी लाइक एकदम एंड में आके गोकुलम ने ड्रॉ किया क्योंकि उनके लिए एटलीस्ट ड्रॉ इंपॉर्टेंट था वरना चीज़ और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता एंड स्टार्टिंग में तो खैर यू नो राजस्थान ने गोल कर दिया था उसके बाद एंड में आते जाते तो को दो दो रेड कार्ड मिला है बट फिर भी लाइक गोकुलम ये मैच नहीं जीत पाया क्योंकि एंड वाला रेड कार्ड एकदम ही खेल के एंड में ही था नाइन्टी प्लस एट मिनट में लाइक यू नो ए चावन को रेड कार्ड मिला है एंड उमर को सिक्सटी सिक्स मिनट में रेड कार्ड मिला था जिसके कारण थोड़ा सा तो खैर वीक हो गया था ये तो खैर दिख ही रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा एक यू नो क्लोज मैच हुआ देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड ये मैच एज बिकॉज गोखुलम ने ड्रॉमेंट के इसीलिए लाइक मॉमडन को लास्ट मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट था जो ट्राउ के अगेंस्ट में था एंड वो मैच match... मोहम्मडन ने जीत लिया है टू वन से एंड मोहम्मन अभी लाइक like, उनका जो नंबर वन पोजीशन था वो काफी ज्यादा फिक्स्ड एंड परमानेंट हो चुका है क्योंकि अभी भी लाइक like, गोकुलम के साथ एक मैच का डिफरेंस है बट पॉइंट्स डिफरेंस चार का हो चुका है एंड अभी लाइक गोकुलम को जीत भी जाते फिर भी लाइक like, वो मोहम्बर्डन को टक्कर नहीं दे पाएंगे एक पॉइंट से मार खा जाएंगे तो अभी मोहम्बर्डन को कोशिश करना होगा कि वो हर मैच जीते एंड मोमबर्डन uh, का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था खैर फर्स्ट में तो फर्नाटिनो ने ट्राव का गोल कर दिया था एंड बहुत अच्छा गोल था वो बट उसके बाद यू you नो know, जो कि काफी ज्यादा एक टैलेंटेड इंडियन you know, विंगर है, उन्होंने गोल किया बहुत अच्छा गोल था उसके बाद एक जो के के तो ने ने बहुत ही अच्छे पोजिशन में अभी आई लीग में उनका टारगेट भी यही है कि उनको आई लीग जीता रहा है काफी साल से लाइक दो तीन साल से वो लास्ट यू नो टीम को बिल्ड कर रहे थोड़ा थोड़ा करके एंड एक प्रॉपर बिल्डअप प्रोसेस के साथ लाइक वो आगे बढ़े तो से बहुत ही अच्छा चीज है एंड ऐसा ही होना चाहिए हर एक क्लब को एंड एडवांटेज यही मिलेगा क्योंकि बैंगलोर के साथ भी बैंगलोर एफ सी में वो आए थे उनका टीम ऑलमोस्ट सेट था आई लीग से ही एंड वही मोमडन भी कर रहे जो कि बहुत अच्छा बात है उन्होंने देखा कि अगर डायरेक्ट आ जाते तो ईस्ट बंगाल का क्या कंडीशन हुआ इतना बड़ा लेगे बट परफॉर्मेंस वाइज अभी तक तो लास्ट दो सीजन में मैंने भी नहीं देखा है किसी ने नहीं देखा है मतलब कोई देख ही नहीं सकता क्योंकि परफॉर्मेंस सही नहीं कोई तो यहाँ पे मॉमडर्न ये जो काम कर रहा है कि प्रॉपर टीम को बिल्ड कर रहा है आई लीग जीत के आना ये टारगेट है ये बहुत अच्छा चीज़ है मुझे तो पर्सनली चीज़ बहुत अच्छा लगा सर केरला ब्लास्ट एफ के लिए तो केरला ब्लास्ट एफ के लिए थोड़ा सा खराब न्यूज़ तो जॉर्ज पेरेडियास केरला में वापस नहीं आने वाले एंड वो एक्चुअली यू नो उनका जो मेन क्लब था जहां से उनको लोन में लाया गया था उस क्लब का नाम था एक्चुअली प्लेटिनि अर्जेंटीन क्लब है एंड वहीं पे वो वापस जाने वाले एंड वो केरला में रिटर्न नहीं करने वाले जो कि डेफिनेटली केरला के लिए बहुत अच्छा बात नहीं है अब उनके जगह में कोई नए प्लेयर को लाना होगा केरला को जो कि काफी एक यू you नो know, बड़ा टास्क है जॉर्ज पेरेडियास बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर है एंड उनके पोजिशन में एक और नए प्लेयर को लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा हाँ ऐसा नहीं कि केरला कर नहीं पाएगा कर ले बट टाइम लगेगा फिर से फिर से नया प्लेयर को लाना होगा एंड जॉर्ज पेरेडियास के साथ ऑलरेडी लाइक एल्वर्ड वस्करियाल लूना इन सबका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बैठ गया था तो फिर से एक नया कॉम्बिनेशन भी बनाना होगा तो काम करना है फिर से केरला को थोड़ा सा एंड यार उम्मीद करते हैं कि यू नो आने वाले टाइम में जॉर्ज पेरेडियास फिर से इंडिया में वापस आए क्योंकि प्लेयर बहुत टैलेंटेड है एंड उनका गेम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इस सीजन तो एफ सी गोवा की तरफ से तो कुछ रिमोर्ट्स ने यह रिपोर्ट किया है कि यू नो पेड्रो इमैनुअल होंगे गोवा के नए कोच एंड ये भी पोर्चुगीज़ कोच है इनका एज है फोर्टी सेवन एंड इन्होंने लाइक यू नो अल नसर एफ सी एंड अल आई एफ जिनको अभी मुंबई सी ने हराया है उनको कोचिंग किया है उनको मैनेज किया है तो बहुत ही बड़े लेवल के कोच है पेड्रो इमैनुअल एंड अगर आते हैं तो नो डाउट काफ़ी एक अच्छा खासा यू you नो know, एक डील होगा एफ गोवा के लिए एंड लाइक इन्होंने एफ सी पोटो के भी असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं सो टैलेंटेड कोच तो है बहुत एज भी नहीं है उनका वैसे भी अभी जो जितने भी यू नो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनका एज ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि तो उनका लाइक like, वो कोई फॉर्मर प्लेयर्स नहीं दे और मैनेजर्स प्रॉपर मैनेजर्स जस्ट लाइक जोन फ्रांडो प्रोफेशनल मैनेजर है और भी बहुत सारे मैनेजर्स इंटरनेशनल में आप जूलियन नेगोसमैन को देख सकते हो बड़ा नाम है प्रोफेशनल मैनेजर है उन्होंने कभी भी फुटबॉल वैसे नहीं खेला है मतलब ऑफ कोर्स लाइक इन सबका करियर का स्टार्ट फुटबॉल में ही रहता है बहुत कम एज में कोई इंजरी आ जाता है तो उसके बाद लाइक like, वो मैनेजर के लिए चले जाते हैं मैनेजर पोस्ट के लिए चले जाते हैं सो पेड्रो इमैनुअल करेंटली तो एक फ्री एजेंट है करेंटली उनके पास कोई भी क्लब नहीं है उनका फेवरेट फॉर्मेशन है फोर टू थ्री वन अटैकिंग खेलना पसंद करते हैं एंड गोवा में यह फॉर्मेशन काफी चल भी जाता है सो so, देखती

में हम लोग विया 18 चैनल को भी स्टार में देख सकते। अभी तक वैसे कोई सामने निकल के नहीं आया एंड हम सब चाहते कि यार लाइक ये जल्द से जल्द लॉन्च हो ये चैनल बहुत टाइम से चल रहा है इनके पास लिटरली एक बहुत लंबा लिस्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट्स का इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स का एंड ये चैनल स्पेशली सिर्फ फुटबॉल के लिए ही होगा So, मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब टीवी चैनल के लिए इतना एक्साइटेड कभी मैं रहा नहीं हूँ बट अभी हूँ क्योंकि यार हम सबको पता है, सब में में है तो बहुत अच्छा चीज होगा इंडियन ऑडियंस को जो चाहिए था एक प्रॉपर फुटबॉल चैनल वो उनको मिल जाएगा एंड जो कि बहुत मिसिंग है यार इंडियन सर्किट से सो so, देखते कब तक ये चैनल यू नो टीवी में लॉन्च होता है सचिन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर यूरोप को

हो रहा है एंड नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज उनका है एंड नॉर्थ बेस्टोनिया के लिए कोई चांस बनता भी नहीं था एंड पोलैंड वर्सेज स्वीडन में रॉबर्ट एक गोल किया है एंड जिलेंसकी ने एक गोल किया है एंड लाइक स्वीडन ओवरऑल टीम तो है स्वीडन like, का बेटर था बट कहीं ना कहीं वो पोलैंड एक्स्ट्रा अपर हैंड रख के वो नो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके सो हाँ फाइनली हम लोग यार एटलीस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो अपने लास्ट वर्ल्ड

कि बार्सिलोना के साथ रॉबर्ट लेवनडि ने अपना कॉन्ट्रैक्ट यू नो काफी हद तक बात कर लिया एंड ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो चुका है अब ये पूरा र्यूमर है एंड ये र्यूमर लाइक आग की तरह फैला है कल से सो so, अगर लाइक लेवेंडिस्की बार्सिलोना में जाते हैं तो बहुत अच्छा चीज होगा उनका अटैक अभी स्ट्रांग है अब नेक्स्ट लेवल एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रॉग हो जाएगा एंड कोई सामने भी नहीं आ पाएगा बार्सिलोना के के अटैक सामने जो कि लाइक एक टाइम पे पहले भी था एंड अभी जावी फिर से वही अटैक बिल्ड करना चाहते कि डिफेंस ठीक है अगर हल्का सा वीक रहता है तो चल जाएगा लेकिन अटैक वीक नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर दोनों ही जगह में हम लोग वीकनेसेस देख पाएंगे तो ये टीम खड़ा नहीं हो पाएगा जावी को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताया है एंड उन्होंने जिस हिसाब से बार्सिलोना टीम को रिसेंटली मैनेज किया यार एकदम ही टॉप क्लास नेक्स्ट लेवल एंड मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये चीज एंड देखते कि क्या फाइनली रॉबर्ट लेवेंड की बार्सिलोना में आते हैं नहीं